कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री जीएस वाली ने बड़ा सियासी बयान देकर सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है। जीएस वाली ने हिमाचल प्रदेश में भविष्य में तीसरे मोर्चे की संभावना को तरजीह देते हुए उसे ही सूबे का भावी कर्णधार बताया है। यही बड़ी बात है कि कांग्रेस का दिग्गज होने के बावजूद भी जीएस वाली कांग्रेस के बजाय तीसरे मोर्चे को तरजीह दे रहे हैं, जो कि अपने आप में ही एक बड़ा संकेत है कि भविष्य में हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल जीएस बाली ने दोनों ही पार्टियों पर कांगड़ा की अनदेखी का आरोप भी लगाया है। बाली ने कहा कि इतिहास गवाह है कि जिसने भी प्रदेश के इस बड़े जिले की अनदेखी की है, उसे जनता ने कभी रिपीट नहीं किया। पूर्व में कांग्रेस ने भी कांगड़ा को हाशिए पर धकेला और आज भाजपा की भी कमोबेश यही स्थिति है। भाजपा तो इससे एक कदम आगे ही बढ़ चुकी है। अगर आज चुनाव हो जाए तो आज ही भाजपा को लोक सत्ता से बाहर कर देंगे। बाली ने कहा कि अब सत्ता में वही पार्टी आएगी और सरकार बनाएगी जो हकीकत में जमीन पर काम करेगी। अब लॉलीपॉप देने वालों का जमाना गया, अब बेरोजगार युवाओं को रोजगार चाहिए, कामगारों को काम चाहिए, अब भाषण नहीं राशन चाहिए और जो ये सब देगा जनता उसे ही अपना समर्थन देगी। जीएस बाली ने मौजूदा हालातों पर चर्चा करते हुए कहा कि इन दिनों लोग सोशल मीडिया में पलट कर जवाब देने लगे हैं, सवाल पूछने लगे हैं, हर दावों की पोल खोलने लगे हैं। जनता सियानी और समझदार हो चुकी है और अब जनता को मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं रहा, इसलिए हकीकत में काम करना होगा, समाज सेवा करनी होगी और जो पार्टी ऐसा करेगी उसी को प्रदेश की सेवा का मौका मिलेगा। बावजूद इसके भाजपा और कांग्रेस में अभी भी ये सब नहीं दिख रहा, इसलिए भविष्य में कोई तीसरा ही बाजी मारेगा, ये भी तय है। देखो मैं एक बात बता दूं आपको, पहले कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तब भी कांगड़ा के कारण हुई, कांग्रेस सत्ता में आई तब भी कांगड़ा के कारण आई, अब बीजेपी सत्ता से बाहर जाना तय है, तय बीजेपी सत्ता में नहीं रह सकती, इनका तय हो चुका है कि इसे सत्ता से बाहर जाएंगे, क्योंकि कांगड़ा से इनका व्यवहार ठीक नहीं रहा और कांगड़ा के लोगों ने अपना मन और दिमाग बना लिया हुआ है कि क्या करना है। अब चाहे इलेक्शन आज करा लें चाहे इलेक्शन 2.5 साल बाद करा लें, तो वो इनकी इच्छा के ऊपर है, भविष्य तय है कि यहाँ पर बदलाव होगा, भाजपा जाएगी और नई पार्टी आएगी। अब वो नई पार्टी कौन होती है इसका मैं आज उत्तर नहीं दे सकता हूँ, जो काम करेंगे जो बच्चों को नौकरियाँ देंगे वही नई राजनीतिक पार्टी जो है हिमाचल पे राज करेगी, जितना कि मैं राजनीति को समझता हूँ। और अभी राजनीति में आपको जवाबदेह होना पड़ेगा, नई पीढ़ी आ गई है, अगर आप फेसबुक पे कोई कमेंट लिखते हो उसके वापसी कमेंट जो आते हैं आप उनका जवाब चाहते हैं, वो तो ये जवाबदेह वाली जो राजनीति है ये बड़ी डिफिकल्ट होने वाली है। और अब समय आ गया हुआ है कि बहुत राजनीतिक उथल पुथल होगी, लोग जो हैं हिमाचल के स्पेशली ये पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया और मीडिया इलेक्ट्रॉनिक और अदरवाइज आल्सो ये अपना पक्ष देते रहते हैं अपना पक्ष लेते रहते हैं, ये लोग बिल्कुल तैयार हैं अपना फैसला लेने के लिए। मैंने बताया जो लोग सेवा करेगा वही आगे बढ़ेगा, जो सेवा नहीं करेंगे जो आप कह रहे हैं कि धरातल पर नहीं नजर आ रहा, जो नहीं आएंगे वो अंडरग्राउंड चले जाएंगे, धरातल के भी अंदर चले जाएंगे। तो ये तो बड़ा स्पष्ट होता है कि जो लोग काम करेंगे उन्हीं लोगों को लोग दैत्य देंगे और जहां आपका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए उसमें कांग्रेस पार्टी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, पिछली सरकार में भी बहुत बड़ा काम हुआ मगर हम उसको इनकैश नहीं कर सके, आपसी मतभेद भी थे और उसके कारण कई चीजें नहीं हो सकी। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि हमने बेरोजगारी भत्ता दिया, बजट में भी रखा मगर वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जब नहीं हुआ तो आप थोड़े थोड़े मार्जिन से थोड़ी सीटें हार गए, नहीं तो शायद सत्ता में होते। तो ये कई चीजें हैं जो कि आने वाले समय में चुनौती बनकर के सामने आएगी।